व्हाट्स एप गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़याम ज़फ़र है और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं बजट पीसी बिल्ड। तो आज की जो बजट पीसी बिल्ड है उसकी प्राइस है 10,000। तो मैं आज आपको अपनी वीडियो में 10,000 रुपीज़ में एक ऐसा बजट पीसी बताऊंगा जिस पर आप GTA 5 और पबजी मोबाइल, फोर्टनाइट, माफिया 2 इस तरह के गेम आप आसानी से खेल सकेंगे। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है इसको प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। दोस्तों, आप लोग अपना बहुत सा पैसा ऐसे खर्च कर लेते हैं फजूल में, मतलब आपको कोई ऐसा अच्छा पीसी नहीं मिलता। तो आज मैं आपको, जैसा मैंने पिछली वीडियो में एक बजट पीसी बिल करवाया था, तो इसी तरीके से मैं इस वीडियो में भी एक बजट पीसी बिल करवाने जा रहा हूँ जिसकी जो आपको तकरीबन 10,000 रुपीज़ तक का पड़ेगा। दोस्तों, इस पीसी पर जो हम प्रोसेसर यूज़ करने जा रहे हैं, तो मैं आपको बहुत सी चॉइसेस दूंगा प्रोसेसर यूज़ करने की। आप इस पर कोटर क्वाड क्यू 6600 का प्रोसेसर यूज़ कर लें जो कि बहुत अच्छा है, जो कि आपको 2,000 तक आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको नहीं जाना चाहते, ज़्यादा बजट कम है, मतलब अगर पैसे कम है, आप ज़्यादा पैसे अपने ग्राफिक कार्ड पर खर्च करना चाहते हैं, तो आप खरीद सकते हैं प्रोसेसर खरीद सकते हैं कोटर 2 का, जो E8500 जो कि आपको तकरीबन 1500 तक का मिल जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं रैम की। अब आप रैम इस पर यूज़ करें 4GB जगह को 3,000 तक की मिल जाएगी। अगर आप 5GB करना चाहते हैं सस्ते मिल जाएगी रैम, आप 5GB भी ला सकते हैं, आप 3GB भी ला सकते हैं, लेकिन आपको जो रैम है वो 3,000 तक की लगानी है, जो कि आपको 4GB आसानी से मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम हार्ड डिस्क की। अब हार्ड डिस्क आप 160GB के लेंगे अगर आप खाली GTA 5 ही खेल रहे हैं, मतलब आप खाली गेम्स ही खेल रहे हैं, तो आप, मैं कहता हूँ 160GB के ले लें, और जो कि आपको मिल जाएगी तकरीबन 1500 तक की मिल जाएगी। इससे महंगी नहीं, मतलब 500 तक की मिल जाएगी, 500 तक की 500। तो अगर आप 1000 जाना चाहते हैं, 250GB में जाना चाहते हैं, तो आप 1000 तक की ले लें। तो दोस्तों, हमारे तक में 5-6 हज़ार रुपये इसी चीज़ों में रख देंगे, तो आप ग्राफिक कार्ड के पास हमारे पास अच्छे खासे पैसे बच गए हैं 4,000 से लेकर 5,000 तक। तो ग्राफिक कार्ड जो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ, 9800GB करता हूँ रिकमेंड, इसलिए करता हूँ क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड है, खाली ये प्रॉब्लम है उसकी। मैं तो ग्राफिक कार्ड बेस्ट है, उस पर बहुत से गेम मैक्स आउट पर चल रहे हैं, जैसे माफिया 2 के पास हाई रेजोल्यूशन में चल रहा है, GTA 5 भी तकरीबन हाई पे, लो टू मीडियम हाई रेजोल्यूशन में चल ही रहा है, मतलब मीडियम सेटिंग पर तो चल ही रहा है GTA 5 भी। GTA IV मैक्स आउट, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छे ग्राफिक कार्ड में चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये 9800 लें, नहीं तो आप GTS 450 में भी जा सकते हैं, जो कि आपको 5,000 तक का पड़ेगा, लेकिन उसके लिए फिर आपको कहीं से पैसे बचाने पड़ेंगे। दोस्तों, ये सारा सामान लगाने के, ये सारा सामान आपको तकरीबन 10,000 तक का पड़ जाएगा, 10 से लेकर 11,000 तक का पड़ जाएगा, इससे कम का ही पड़ सकता है अगर आप शॉप देखें। मैं तो आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि शॉप आप चेंज करा करें अगर आपको सही ना मिले। और मैं अपनी वीडियो में बता दूँ, मैं बात जो बिल्ड करने जा रहा हूँ, ये पाकिस्तान की बिल्ड है, जो मैंने बिल्ड की है अभी, ये पाकिस्तान में। लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि इंडिया में इंडिया, तो इंडिया की वीडियो नहीं है, ये पाकिस्तान की, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो ये वीडियो पाकिस्तान की है। तो जो जिसमें जो बजट पीसी बिल्ड हुआ है पाकिस्तान का है। अब इस पर GTA 5 वगैरह सब गेम चल सकते हैं, GTA 5 720 भी चल सकता है, माफ़ी 2। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सोचते हैं, वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो हाजिर हूँगा अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।